ये देखिए यहाँ कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अर्चना सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और थोड़े बोर हो रहे होंगे, है ना। मैं भी आज यहाँ का ना मौसम बहुत खराब हो गया और मैं अभी ऐसे ही नीचे फर्श पर बैठकर शूट कर रही हूँ। और पता है जब मैं बहुत लो फील करती हूँ या कभी ऐसा मुझे लगता है ना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा स्ट्रेस लगता है, तो मैं नीचे फर्श पर बैठ जाती हूँ। और मुझे फर्श पर बैठना ना बहुत अच्छा लगता है। बैठती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं स्ट्रेस फ्री हो रही हूँ, और पता नहीं मुझे बस अच्छा लगता है। जबकि हमारा फर्स्ट फ्लोर पर घर है ना, पृथ्वी से जुड़ाव मतलब धरती से जुड़ाव बहुत जरूरी है। और आज हम कुछ क्रिएटिव करने जाएंगे, कुछ क्रिएटिव सीखेंगे। पहले तो मेरे घर भी बच्चों की भी समर वेकेशन हो गई है और दो दो बच्चे घर पे ही हैं और बाहर बहुत ही बारिश हो रही है, तो आज हम लोग शाम में निकलेंगे नहीं। और जब भी लॉकडाउन लगता है ना फ्रेंड्स, तो मेरा घर ना बहुत मेसी सा हो जाता है, मतलब कोई सामान कहीं है, किसी को कहीं आना जाना नहीं है, है ना। और ऐसे जगह मैं सामान रखती हूँ ना जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे खाने पीने की चीजें और जो जूस वगैरह है जो डेली अभी लेना है, तो वो मैं क्या करती हूँ अपना डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ। तो जो डाइनिंग टेबल का जो इतना भी मैं डेकोरेट या जो भी सजावट की रहती हूँ वो सब हटाना पड़ता है मुझे। और क्या हो जाता है, जैसे कि अभी हम लोगों को बहुत ज्यादा हाइड्रेट रहना, एक तो गर्मी और वैसे भी, तो फिर मैं क्या करती हूँ, जो मेरा घड़ा है वो मैं फर्स्ट रूम में रख देती हूँ, जिसमें हम लोग ज्यादा रहते हैं, रूम नहीं हॉल है, तो उसमें हम लोग रख देते हैं। और क्या हो जाता है ना कि ऐसे करके ना घर बहुत मेसी हो जाता है। तो मैं सोची ना कि थोड़ा अपने घर का डेकोरेशन कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थोड़े बच्चे भी मेरे हेल्प कर देंगे, अभी थोड़े क्या पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। तो अभी हम लोग मतलब ये जो सीजन है समर सीजन ये वाली, इससे नहीं, हम लोग हर समर सीजन में, ये जो कोविड वगैरह होने वाला था, होने से पहले भी समर सीजन में ना हम एक मटका खरीदते थे और मटके का ही पानी पीते थे। और अभी तो वैसे भी बहुत ज्यादा फ्रीज का पानी तो अवॉइड ही करते, अवॉइड क्या पीते नहीं है, और एक मटका हर सीजन में जरूर खरीदते हैं। तो पता है इससे पहले हमने एक सुराही खरीदा था, तो उसमें ना लीकेज आ गया, मतलब पानी रिस रहा था, तो उसको हमने ऐसे निकाल के रख दिया, फिर दूसरा मटका खरीदा। तो उससे मैं आज कुछ डेकोरेशन करने वाली हूँ अपने घर का, तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। और पता है अगर कोई मटका थोड़ा सा रिस रहा हो, जैसे वो मेरा सुराही था, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि सीमेंट का घोल बना के, और जो उसका नीचे वाला पोर्शन है जहां से रिस रहा है वहां सीमेंट का घोल डाल देंगे ना, तो वो पूरा रिश्ता बंद हो जाएगा और बहुत अच्छा आप उसको यूज कर सकेंगे। लेकिन मैंने सोचा छोड़ो यार, दूसरा ले लेते हैं, इसमें ना थोड़ा डेकोरेशन कर लेते हैं। शुरू से मेरा थोड़ा मन था कुछ क्रिएटिव करने का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो सुराही है और इसको हम लोग पेंट कर रहे हैं अभी। ये थोड़ा पहले से पेंट हो रखा है, तो अभी मैं इसको पेंट करके दिखा। ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा ना, ये कलर हो जाने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने इसमें भी एक इंडोर प्लांट लगाया है, तो ये है एलोवेरा का डिब्बा। तो इसको ना मैं कवर करने के लिए कवर करूंगी, और ये ऐसे उतना अच्छा नहीं लगता है ना घर में कहीं रखने में, तो इसको, ये देखिए ये प्लांट कितने अच्छे से तैयार हो गया है और कितना अच्छे इसका ग्रोथ हुआ है। तो मैंने एक कपड़ा जो ग्रीन कलर का है, इसको मेजरमेंट लेकर मैंने कटिंग किया है, और रेड कलर का कपड़ा मैंने ये ऊपर से, ये देखिए ये सिल लिया है, और इसको ऐसे चारों तरफ से मैं कवर करूंगी ऐसे करके। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर लगने लगा ना, ये पॉट बहुत सुंदर लग रहा है। और इसको अब मैं इसके जगह पर रख दूंगी। और ये देखिए, ये मेरे पास साटन फीता था, तो इसको मैंने चिपका दिया यहाँ नीचे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस कितना सुंदर आपके घर को बना देता है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये जो मैंने ये बना दिया, और ये साथ में ये देखिए, और ये नीचे जो मैंने सुराही का डेकोरेशन किया था मैंने ऐसे रख दिया है, और साथ में पीस लिली का प्लांट और ये मनी प्लांट जो मैंने अपने डाइनिंग टेबल पर रखा था वहाँ भी बहुत कुछ मैंने रख दिया है। और देखिए आज ये मौसम, मुझे लग रहा आज भी मौसम सही नहीं है, और बहुत ठंडी हवा चल रही है और बादल भी ऐसे ही दिख रहा है, तो आज भी मैं बच्चों को नहीं निकालूंगी, क्योंकि मौसम ना बहुत खतरनाक होता है। ये जो ठंडा गर्म मौसम होता है ना,
ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है और इसी में सर्दी खांसी ज़्यादा बच्चों को होता है और वायरल वगैरह। तो बस मैं ये अपना ऐसे टाइम पास कर रही हूँ अपने घर में। और ये देखिए ये मेरा कॉर्नर कितना सुंदर लगने लगा जो पहले आपने देखा था, और ये अब कितना चेंज है, कितना अच्छा लग रहा। और मैं यहाँ मैट रखती हूँ और हम लोग बैठेंगे यहीं, अपना टाइम पास करेंगे, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी छोटी छोटी चेंजेस आपके घर को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। बस सोचने की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं कुछ बहुत महंगा खरीद कर लाएं। ऐसी छोटी छोटी कुछ क्रिएटिव जो भी चीज़ आपके घर में जैसे कि उपलब्ध है जो भी है, तो उसे सोचिए कि इससे क्या बन सकता है, इसको कहाँ आप डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर लगेगा आपका घर का कॉर्नर। और ये तो है ही, और आपका घर सुंदर रहेगा, और सेकेंडली ये है कि आपका माइंड जो है ना वो बिजी रहेगा, आप बिजी रहेंगी, कुछ एक्स्ट्रा आपको सोचने का टाइम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सोचेंगी नहीं किसी बात को लेकर, टेंशन जो भी होगा ना धीरे धीरे काम करते करते, या धीरे धीरे आप किसी चीज़ में बिजी हो जाएंगी तो वो टेंशन धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।